बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम। तो दो दिन से जी तबीयत ख़राब थी तो वीडियो नहीं बन सकी। हांडी तो बनती रही है लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दो दिन बुखार रहा है तो मैं किचन में आई नहीं, तो हांडी बनाते रहे जी। हस्बैंड ने वीडियो नहीं बनाई, वो कहते हैं याद ही नहीं रहा बिल्कुल। मैं तुम भी अपने करमात तकासने से मेरे भैन भ्रावों को मैं देता ही कोई मेरे व्यूज बार जाना ठीक है। तो जिन्हें मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया जल्दी ना सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो वीडियो अच्छी लगती है तो मैं भी अच्छी लगती है तो लाइक करें ठीक है। तो चलिए जी आज बनाते हैं चिकन ठीक है। तो प्याज मैंने डाल दी है और इधर मैं जो है अदरक लहसुन को ना आज पेस्ट बना रही हूँ, पेस्ट बना के डालूँगी। अभी भी तबीयत जो है ना मुकम्मल फिट फाट नहीं हुई क्योंकि बुखार के बाद बंदा इतनी जल्दी तरोताज़ा तो नहीं हो जाता, लेकिन शुक्र अल्लाह का बुखार रात को तो बुखार था लेकिन सुबह उठी तो बुखार, रात को दवाई शवाई खाई ना तो फिर उससे ना दोबारा सुबह बुखार नहीं हुआ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जिस्म सारा ना अकड़ रहा है, बिल्कुल टाइट हो रहा है, दर्द ही दर्द हो रही है। अल्लाह खैर करे जी। तो अपॉइंटमेंट भी मांगी थी लेकिन डॉक्टरों ने 16 तरीक की जी अपॉइंटमेंट दी है, बंदा आज बीमार है तो अपॉइंटमेंट 16 तरीक है, फिर तंबा सा उड़ना है। तुम आते हो जी यूके जाइए, यूके यूके आते आन दे ठीक है। बंदा बीमार हो तो अपॉइंटमेंट तब नहीं देनी, बंदा ठीक हो जाएगा फिर पूछेंगे हाँ जी आप कुछ सुनाए हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। भाई फील के करना है, जो करना थी तो फील अस कर चुके हैं, हूँ फील के करना है। हूँ तो वही दौड़ा लग गई ने, हूँ तो चेता भी भुल गया कि असी बीमार सी तो के बीमारी लगती सही है। जी ब्राउन हो गया ना तो उन्हें लसन अदरक हरी मिर्चा जो कुट के तरी सही है। मिक्स करोंगे ये अदरक लहसुन का ना पानी है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि कीमे वास्ते मैं बनाया ना अदरक लहसुन ते और फिर थोड़ा बच गया सी पानी सी तो मैं जाया कि करना चलो अदरक लहसुन भी सुट दिता ठीक है। तो इन्होंने भुना दे ते फिर जी नमक मिर्चा सुटने कीमे के अंदर ना ये कीमे के अंदर प्याज जो है ना वो क्रश करके डालने हैं बिल्कुल कद्दूकश करके। ये बनाएगी थी कबाब बच्चों के लिए तो ये आज मैं ना मसाला बता रही हूँ, कबाब बनाने नहीं बताऊँगी ठीक है, सिर्फ मसाला बनाना बता रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ना ये टच देने के लिए ये भी थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा ही था तो थोड़ा सा ही डाला है। अच्छा जी इसमें जाएगी हरी रेड मिर्च एक चम्मच भर के क्योंकि मिर्चों को हाथ लगाओ और छींके शुरू मिर्चों को हाथ लगाओ तो इतनी छींके आती हैं ना तो फिर बंदा निछो निछो हो जाता है। एक चम्मच और सुट्टी है अद्धा टी स्पून असी हल्दी पा लवोंगे तो बिच जी लत्ता टप्पा लग रहा तो हाँ जी धनिया पाउडर दियाँ डेढ़ टी स्पून अपने हिसाब न मसाले ने जिन्ने मर्जी है सुट लो जिन्ने मर्जी है ना सुटो ठीक है बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए। ये सुटांगे जी नमक नमक जो है ना ना ज्यादा और ना कम क्योंकि नमक अगर गड़बड़ कर गया तो समझो फिर सारे मसाले नहीं ना मां भैन हो जानी है ठीक है। आंटी ने कबाबा ने जो भी कह लो वो
आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आज कुछ इसमें ना थोड़ी सी अजवाइन, वो तो आपको पता है कि मैं ज़रूर डालती हूँ, ऐसे जैसे कि कबाब बना रही हूँ तब भी डालती हूँ, अगर कोई ग्रिल कर रही हूँ तब भी जो अजवाइन और कलवंजी वो ज़रूर डालती हूँ। ठीक है, प्याज ब्राउन हो गया तो उसमें डाल देंगे जी हम चिकन, तो फिर बाद में डालेंगे जी नमक मिर्च। ठीक है, ये तो अगर खजन पानी थोड़ा बच गया मैं अभी निकाल दूँ। अच्छे से और ये देखो जी कितना मज़े का हमारा कीमा, ये मसाला ला के तैयार हो गया, इसको हम रख देंगे चीजा रख छड़नी चाहिए, छुपा छड़नी चाहिए, अपने तू छुपा अपने आप तू छुपा छड़नी चाहिए। पता क्यों के समझो कि मैंने कीमे के अंदर ना मसाले हर चीज़ लगाई है, सारी मेहनत की तो छुपा छड़ी है क्योंकि काम खत्म हो गया पर जब फ्रिज खोल लेंगे तो फिर देखेंगे ओ हो अभी तो कबाब बनाने हैं, तो फिर बनाने हैं है? समझिया करो बच्चे, ओ समझिया करो, कदे कदे चीज़ छुपा छड़नी है अपने आप ही आना, मैं तो वेला हो गया मेरा काम खत्म हो गया, फिर आना ओह अल्लाह इतने फ्रिज पी ऐसी कीमत, ओ चलो कोई नहीं मसाला तो बने है ना फटोफट ही फटाफट टिक्कियां इन्हें बनानिया ने तो तवे तो सुटनिया ने तो फटाफट काम खत्म हो जाएगा। आज वो वाला साफ कराऊंगे इंशाल्लाह, ये भी जी नमक मिर्चा सूट छड़ी है कि ये भी अपना काम ना शुरू रखे भुनने वाला। ठीक, किसी को ना मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आंडी हो चाहे वह इंसान हो, अपने आलू ना उन्हों ना अपने हिसाब ना खत्म करके ना छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अरे हमेशा नमक किस टाइम मंगिया जाना, जिस वेले आंडी विच नमक कम हो, अचार मंगिया जाता जिस वेले आंडी विच दम ना हो। सही है, सानू दो ही गल्लां जड़ियां ना ओ गुवारा नहीं, ना हांडी विच दम ते ना हांडी विच नमक कम, क्योंकि असीं ते बैठा रहियां भर भर के चमचा पा छड़ियां, कोई चीज़ नहीं कमी ना रवे किधरों, ते फिर कोई बंदा गल करे ते फिर चुके हांडी बंदे ने मुंह अगे लो खाओ। ठीक है, लो खाओ इसको तेज़ होर केड़ी हांडी बनती जे जी नहीं बनती ना, फिर हेलो असी बना छड़ी, चलो जी इनू भुनांगे तो बाकी गलों बाद। जे जी हमारी हांडी की लुक तको तुम, कि सोहना मसाला भुज रहा तो कि सोहने चिकन भुज रहा। सही है, थोड़ी देर और भून के बुना, फिर इसमें ना थोड़ा सा शोरा लगाना है, रस मिसली सी बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसे कहते हैं कौरमे वाले हांडी। शोरा लग गया, दो तीन वालियां आ जाए तो फिर बस साडा काम खत्म, तो आंडी का काम शुरू। ठीक है, इतों बंदे का अपना काम खत्म होना तो खाने पीने का काम शुरू हो जाता है जी साड़ी आंडी, आंडी तकरीबन पकने के कोल कोल है, तो असं उत्ते शिंगार कर देंगे धनिया नाल,
यहाँ पर तोड़ना पीस कितने मजे दी माशाल्लाह साड़ी आंटी तैयार हो गई ठीक है चूल्हा कर देंगे जी बंद तो ठीक है जी जज़ाकअल्लाह खैर अपनी दुआवें रखो याद तो सानू दे इजाजत फिर किसी नवी आंटी के नाल फिर हाजिर होवांगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।